नमस्कार किसान मित्रों, कृषि पिटारा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। किसान मित्रों, अब बदलते दौर के साथ किसानों की खेती करने की तस्वीर भी बदल रही है। गेहूं, चावल और सरसों के साथ अब मिर्ची की खेती करके किसान अपनी आय दोगुनी कर आत्मनिर्भर बन रहे हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के एक क्षेत्र विशेष की, जहां के किसान अब आत्मनिर्भर बनते हुए मिर्ची की खेती कर अपनी आय को दोगुनी करने में जुट गए हैं। किसानों ने मिर्ची की खेती की शुरुआत आज से 3 से 4 साल पहले की थी और अपने खेतों में मिर्ची की खेती कर उनको बाजारों में बेचकर अच्छा खासा मुनाफा भी कमा रहे हैं। वह अपने खेत के 3 से 4 बीघा में मिर्ची की खेती कर रहे हैं। अगर पूरे गांव की बात की जाए तो पूरे गांव में 10 से 12 बीघे में मिर्ची की खेती हो रही है। मिर्ची की खेती कर रहे किसान अशोक चंदेल जी ने बताया कि वह लगभग 4 वर्षों से मिर्ची की खेती कर रहे हैं। उन्होंने यह भी बताया कि वह पहले गेहूं, सरसों जैसी अन्य फसलों की खेती किया करते थे, लेकिन उनमें समय ज्यादा खर्च हुआ करता था और मुनाफा भी काफी कम मिलता था। तभी उनको ख्याल आया कि क्यों ना मिर्च की खेती की जाए, इसमें लागत भी काफी कम है और मुनाफा ज्यादा है। मात्र 3 महीने में रोजाना अच्छा मुनाफा होता है, किसान के लिए यह फायदे की खेती है। अशोक जी ने यह भी बताया कि मिर्ची की खेती के लिए उन्होंने मिर्च का बीज बाजार से खरीदा, जो कि 650 रुपए का मिलता है। उसके बाद उन्होंने अपनी नर्सरी में इसको तैयार किया। नर्सरी में यह 35 दिन में तैयार हो जाते हैं। उसके बाद उन्होंने नर्सरी से इन मिर्ची के पौधों को उखाड़कर पौधारोपण अपने खेत में किया। आधा रोपण करने के 40 दिन बाद यह पौधे मिर्ची देने लगते हैं। किसान मित्रों, मिर्च की खेती की खासियत यह होती है कि इसे किसी भी प्रकार की मिट्टी में उगाया जा सकता है। किसान अशोक चंदेल जी ने बताया कि इसकी खेती करने के लिए 25,000 रुपए की लागत आती है। इसके बाद जब वह मिर्ची को बाजारों में बेचते हैं तो 1 बीघा से लगभग 1,00,000 रुपए की बचत हो जाती है और उसका एक पौधा लगभग 8 महीने तक मिर्ची दे। किसान मित्रों, मिर्ची की खेती के बारे में और अधिक जानकारी के लिए देखिए हमारे संवाददाता पंकज कुमार श्रीवास्तव की ये रिपोर्ट। ये कैसे तैयार होती है? ये हमारे गांव में लगभग 13 से 14 बीघा खेती होती है मिर्ची की, जिसमें क्या है 1 बीघा में 80-85 हज़ार रुपये बचत हो जाती है। अगर भाव सही रहा तो उससे ज़्यादा भी हो जाती है। अभी जैसे 4,000 का भाव चल रहा है, अभी 4,000 का भाव 10 क्विंटल निकलेगा, 40,000 एक ही तोड़ान में हो गए। तो कैसे तैयार होता है ये, पहले क्या करते हैं? मिर्च को पहले जो है बीज लाते हैं, उसकी फिर नर्सरी तैयार करते हैं। नर्सरी तैयार होती है 35 से 40 दिन में, फिर वो पौध को उखाड़ करके खेत में तैयारी की हुई होती है मिट्टी की, उसमें जो है बेड डेढ़ डेढ़ दो दो फीट की दूरी में उसको पौधा को रोपण किया जाता है, जिसके 35 से 40 दिन के बाद इसमें फल फूल आना शुरू हो जाता है। एक पेड़ कितने बार फल देता है, कितने साल तक? ये 8 महीने तो कंटिन्यू फल देता ही देता है। बाकी फिर हमारे यहाँ बुंदेलखंड इलाका पिछड़ा इलाके, हम पानी नहीं है, पानी की वजह से समस्याएँ हैं, जो हम भरपूर खेती ढंग से हम खुद ही नहीं कर पा रहे अपनी खेत से कंटिन्यू। वो कितना पानी लगता है इसमें? पानी तो अभी ठंड में थोड़ा कम लगता है, अब देखो पानी की ज़रूरत है, पानी नहीं है। लगभग फिर भी इसको तैयार होने में लगभग वो कितना पानी चाहिए? हम लोग अभी 12-13 पानी दे चुके होंगे, मतलब जो ट्यूबवेल से दिए ऊपर वाले के बाद, और अभी इसको कम से कम मार्च तक फलना ही फलना है। वो कहाँ बेचने जाते हैं इसको? यहाँ से यहाँ सतना जाते हैं, फिर करवी है, जाते हैं। क्या नाम है आपका? कौन सा गांव है? आखिर ये कैसा लगा आपको कि हम इसकी खेती करें, हम मिर्चा की अन्य खेती छोड़कर? हमारे यहाँ जानवरों का, छुट्टा जानवरों का बहुत ज़्यादा आतंक है और पानी की भी कमी है। हमारे गेहूँ और बाजरा ये सब की खेती करते हैं, धान की भी करते हैं, मगर उसमें पानी ज़्यादा लगता है। अब ये है तो इसमें हर 45 से 50 दिन में ये फसल जो है फल देना शुरू कर देती है, फल देते रहे, हम बेचते रहे, अपनी इसके अलावा जो भी किसानी है वो भी चलती रहती है, तो खर्च इससे निकलते रहता है। किसान मित्रों, हमें उम्मीद है कि मिर्ची की खेती पर केंद्रित ये जानकारी आपको काफी पसंद आई होगी। कृषि पर केंद्रित ऐसी ही और रोचक और महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपके कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। किसान मित्रों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।